नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पेटीएम अकाउंट बहुत तेजी से ब्लॉक हो रहा है। क्यों ब्लॉक हो रहा है और कैसे आपको अनलॉक करना है अगर आपका पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो गया है, मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दूँ, आपको अपने पेटीएम अकाउंट से कभी भी एक गलती नहीं करना है। जैसे कि मान लो अगर आपका जिस नंबर से पेटीएम अकाउंट बना है और उसी नंबर से आपका मर्चेंट अकाउंट बना है, तो आपको सेम उसी नंबर से आपको ट्रांजेक्शन नहीं करना है। अगर आप करोगे तब भी आपका ब्लॉक हो जाएगा। दोस्तों अगर आप जो है अपने अकाउंट में, अपने मोबाइल में अलग अलग नंबर से और अलग अलग पेटीएम अकाउंट बना के आप एक ही मोबाइल में यूज करोगे तब भी अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। वैसे बहुत से लोग का ब्लॉक नहीं हुआ है, बट कुछ लोग का ब्लॉक हुआ है और आज मेरा भी ब्लॉक हो चुका है। गलती मेरी क्या थी कि मैंने जो है अपने इसी नंबर से मर्चेंट अकाउंट बना के पैसे ट्रांसफ़र किए थे। पूरी पूरी मेरी गलती है, जो कि पेटीएम गलती नहीं है। तो दोस्तों आप लोग देखो, जैसे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ लॉगिन करने के लिए, आपके सामने देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट ब्लॉक। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे पेटीएम ने साफ साफ बोला है कि आपको बहुत सारी गलतियाँ जो करते हो उसे नहीं करना है। तो कोशिश करके दोस्तों आप एक ही मोबाइल में एक ही पेटीएम अकाउंट यूज करें, बार बार अलग अलग अकाउंट बनाकर ना यूज करें और मर्चेंट अकाउंट एक ही नंबर से आप ट्रांजेक्शन लेन देन ना करें। अगर दोस्तों आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो उसे अनलॉक करने का सबसे अच्छा प्रोसेस है, जो कि आपको मैं इस वीडियो में पूरा बता देता हूँ। चलिए कैसे करना है पूरा प्रोसेस आप इस वीडियो में जान लीजिए। दोस्तों मैंने देखो अपना ईमेल आईडी ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखो आपको रजिस्टर ईमेल आईडी से एक पेटीएम को ईमेल करना पड़ेगा। देखो मैंने ये ईमेल में जो लिखा है, मैंने इसको देखो आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, कॉपी करके आपको सेंड उनको सेम जो है सेंड करना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपको एक पेटीएम में आपके स्टेटमेंट आता है आपके ईमेल आईडी में पेटीएम की तरफ से, आपको उसमें पीडीएफ फाइल में यहाँ पे डाल को आपको सबमिट करना है। और इसके बाद आपका एक सेल्फी भी रहेगा जो कि उसमें जरूरी होता है। आप लोगों को यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर देना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके स्टेटमेंट का आया होगा पेटीएम की तरफ से, एक स्टेटमेंट आता है आपके ईमेल आईडी पे, वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे डाल के सब कुछ सबमिट कर देना है और आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आपको सेंड कर देना है। मैं ये आपको वीडियो के नीचे आपको दे रहा हूँ जो है इनका ईमेल आईडी और ए मैसेज भी, तो आप इनको सेंड कर दो। और इसके बाद आप ट्विटर पे भी इनसे आप ट्रैक करके बात कर सकते हो। अगर आपका ये नहीं होता है ऐसा करने पे, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं पूरी हेल्प करूँगा। मैं ऐसा कर रहा हूँ, अगर मेरा अनलॉक हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर जो है बताऊँगा एक वीडियो बनाकर। तो इस तरीके से वैसे पेटीएम ने सेम यही प्रोसेस बताया था, वैसे आप कीजिए आपका 100% होगा। तो इसका ही प्रोसेस है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। वीडियो के नीचे आपको ईमेल आईडी और मैसेज भी मिल जाएगा और आपको पैन कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट है सेंड कर देना। अगर आपका रजिस्टर ईमेल आईडी नहीं पेटीएम में रजिस्टर है तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि स्टेटमेंट इनको देना पड़ता है। स्टेटमेंट कैसा होता है आपके ईमेल आईडी में, देखो इस तरीके का स्टेटमेंट आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ऐसा स्टेटमेंट आता है वो भी आपके ईमेल में, तो आप लोग इसको देख लो। आपको सेम इसी को आपको जो है इनको सेंड करना है, कर दोगे तो 100% हो जाएगा। चलिए हम आपको यहाँ फटाफट सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं सेंड कर दिया आपके सामने, ए ईमेल चला गया उनके पास। अभी हमें 3 से 4-5 दिन के अंदर हमें संपर्क करेंगे, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है तो वर्कर कम है उनके पास, वेट करते हैं। बाकी ट्यूटर पे आप उनको ट्यूट कर सकते हो। देखो मैंने ट्यूटर पर उनको ट्यूट किया है, आपको दिखा दूँ एक बार आपको। ट्यूटर अकाउंट जिस पे टिक लगा है आप लोग देख सकते हो, पेटीएम केयर के नाम से है। आप यहाँ पे क्लिक करके प्लस वाले निशान पे आप उनको ट्यूट कर सकते हो। देखो मैंने किया है, रिप्लाई भी आ गया है और आप वो ईमेल भी कर दो और ट्यूट भी कर दो। तो ये बोले हैं कि आप मुझे पर्सनल जो है ईमेल या मैसेज करो, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक मिनट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये मुझे बोले हैं कि आप मुझे सेंड योर प्राइवेट मैसेज, ये बोले कि आप मुझे प्राइवेट मैसेज करो इस पर क्लिक करके। तो देखो मैंने किया था और इनका रिप्लाई भी आ गया है। आप इनको इस तरीके से कर सकते हो, अच्छा सर्विस मिलेगा आपको। प्लस क्या है कि आप एक बार ईमेल कर देना और ट्विटर पे आप इनको बराबर इनको ट्यूट करते रहना।
तो यही सब चीजें हैं, तो ध्यान देना, ये सब गलती मत करना, नहीं तो आपका ब्लॉक हो जाएगा। मेरा ब्लॉक हो चुका है, जो कि मेरा ये मेन अकाउंट था, कुछ मेरी गलती थी इसलिए ब्लॉक हुआ है। तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे इसके बारे में, कुछ भी छूट गया है मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों में शेयर करना, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।